वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के रोडेज। देख सकते हैं आज हमारे पास आई है टाटा की 1512। ठीक है, गाड़ी ब्रेकडाउन में है, गाड़ी पिकअप नहीं बना रही है। ठीक है, गाड़ी 20 सुपर नहीं जा रही है और फिर एक्सीटर भी नहीं ले रही है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं इसका सुजोन, देखते हैं क्लस्टर पर क्या बताती है। ठीक है, सुजोन कर लिया हमने, तो देख सकते हैं डी एफ एस या सिस्टम फॉल्ट बता रही है। ठीक है, स्टार्ट करके देखते हैं इसको, और ये देख सकते हैं इस गाड़ी में एसीआर फॉल्ट की लाइट भी आ रही है। देख सकते हैं स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी तो एक्सीलेटर फुल ले रही है, जैसे अपन चलाते हैं तो गाड़ी 20-25 ज़्यादा 20 से ज़्यादा नहीं रखती। ठीक है, तो मतलब उसमें एसीआर रिलेटेड फॉल्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ठीक है, तो करते हैं इसको स्कैन, लैपटॉप लगा के देखते हैं क्या फॉल्ट कोड हमारा आता है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं जो हमारा फॉल्ट कोड आ रहा है। ठीक है, वो डोजिंग वाल्व और डोजिंग वाल्व कॉइल और एसीआर माउंटिंग प्रेशर बिल्डअप एरर का आ रहा है। ठीक है, प्रेशर का आ रहा है और यूरिया डोजिंग वाल्व का आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसके रेमेडीज में क्या चेक करने का हमने बोलता है। ठीक है दोस्तों, करेक्टिव एक्शन में जाते हैं इसके। ठीक है, देख सकते हैं चेक लैंप ऑफ, माय लैंप ऑन। ठीक है, ये बता रहा है कॉइल टेम्परेचर इज नॉट वैलिड। ठीक है, एसीआर ऑफ स्ट्रीम एसटीआर अप स्ट्रीम टेम्परेचर सेंसर डीटीसी। तो कुल मिला के बात यह है कि यूरिया डोजिंग का अपना इंजेक्टर होता है उसमें फॉल्ट बता रहा है। ठीक है, जितनी भी रेमेडीज दे रहा है ना, वायरिंग चेक करना है। ठीक है, तो बता रहा है कहाँ पे जाके लगा हुआ, किस किस कंप्यूटर में वायरिंग जा रही है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं, तो जितना भी ये बता रहा है, ठीक है, तो वायरिंग चेक करना है। ठीक है, कपलर चेक करना है। ठीक है, इसके बाद आप चलो तो वोल्टेज चेक करना। ठीक है, तो चेक करते हैं दूसरे फॉल्ट कोड की, करेक्टिव एक्शन में जाकर चेक करते हैं दूसरा फॉल्ट कोड। ठीक है दोस्तों, ये बता रहा अपन को यूरिया डोजिंग बाल शॉर्ट सर्किट टू बैटरी पे चलते हैं। ठीक है, देख सकते हैं इसमें बता रहा वायरिंग हार्नेस प्रॉब्लम, यूरिया डोजिंग बाल शॉर्ट सर्किट टू बैटरी फॉल्ट डोजिंग बाल। ठीक है, तो इसमें यूरिया डोजिंग के लिए एक इंजेक्टर लगा हुआ होता है, यूरिया इंजेक्टर, उसका एक फॉल्ट बता रहा। ठीक है, इसमें भी कुल मिला के वही सब बता रहा। ठीक है, तो आल डी टी सी करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आल डी टी सी पे ये भी बता रहा टेम्परेचर सेंसर अप स्ट्रीम सर्किट ओपन शॉर्ट टू बैटरी। ठीक है, चलते हैं यूजर डोजिंग बल्ब की तरफ, तो देख सकते हैं ये यहाँ पे साइलेंसर लगा हुआ है इसका। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं इसका इंजेक्टर, यूरिया इंजेक्टर देख सकते हैं दोस्तों, यूरिया इंजेक्टर इसका बोल दिया हमने। ठीक है, इसके अंदर यूरिया तो नहीं जमा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं ये साफ करता हूँ मैं, देख सकते हैं यूरिया तो जमा नहीं है। ठीक है, करते हैं इसका वोल्टेज चेक, इसका वोल्टेज आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसे कपड़ा निकाल के मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करेंगे इसका। ठीक है, देख सकते हैं मल्टीमीटर ले लिया, 12 वोल्ट हमने सेट कर लिया इसका। ठीक है, इसमें 12 वोल्ट और एक 3 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं हमारा 3 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, मतलब हमारी सप्लाई लाइन है। ओके, ठीक है, 12 वोल्ट चेक करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, अगर ये वायरिंग सही हो तो इंजेक्टर ख़राब है हमारा, तो इंजेक्टर अभी मिलेगा नहीं, 80 किलोमीटर दूर खड़ी गाड़ी। ठीक है,
कपलर निकाल के अपन देख सकते हैं वोल्टेज आ रहा है, उससे कपलर निकाल के अपन थोड़ी दूर गाड़ी चला के विद्युत इंजेक्टर डालेंगे। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों कपलर निकाल दिया है मैंने विद्युत इंजेक्टर का, हमारी गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट जो बैटरी का कोड आ रहा था उसके कारण गाड़ी नहीं चल पा रही थी। ठीक है दोस्तों, तो कंपनी में जाके इसको वो डालते हैं इंजेक्टर। ठीक है दोस्तों, ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।